कहानी की शुरुआत होती है कुछ लुटेरों से जो जंगल में आने वाले लोगों को लूट कर आराम कर रहे थे। तब एक लुटेरा घने जंगल में हल्का होने गया तो उसे जमीन पर एक अजीब सा लोहे का मास्क दिखाई दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो वो एक अंधेरी गुफा तक पहुंच गया। फिर वो गुफा में घुसा तो अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी और वो वहीं जमीन में धंसकर मारा गया। इसके बाद हम वॉरन नाम के एक अमीरजादे को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ इंडोनेशिया के ऊना जंगल में मौजूद जापानी मिलिट्री बंकर पर रिसर्च करने आया था। ये बंकर दूसरे विश्व युद्ध के समय का था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूलिंग और री नाम की एक साइंटिस्ट भी थी। साथ ही उनकी रक्षा के लिए उनके साथ कुछ फौजी भी आए थे। खैर, जंगल में आगे बढ़ते हुए वो सब अचानक से एक माइन के पास पहुंचे। वॉरन को लगा कि शायद ये वही बंकर होगा जिसकी वो तलाश कर रहे थे। तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर एक एक करके बंकर में घुसाए। मगर जैसे ही आरियो नाम का एक सैनिक अंदर घुसा, उसके साथ ही लुटेरों का फेंका हुआ बॉम्ब भी आ गया, जिसके बाद वहाँ जबरदस्त धमाका हुआ। खैर, जब सबको होश आया तो उन्होंने देखा कि आरियो बुरी तरह जख्मी हो गया था। वहीं स्टैनली ने देखा कि धमाके की वजह से बंकर से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया था और अब वो सभी यहाँ फंस चुके थे। अब उनके पास माइन में अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उनके ग्रुप को तो ये भी शक होने लगा था कि लुटेरों का हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। इसीलिए सबने वॉरन से पूछा कि आखिर वो इस मिशन पर ढूंढने के आए हैं। पहले तो वॉरन ने कुछ नहीं बताया, पर जब फौजियों ने उस पर हमला करने की धमकी दी तो आखिरकार उसने कहा कि उसे और री को ऐसे खुफिया कागज मिले थे जिनके मुताबिक इस बंकर में जापानी मिलिट्री कमांडर का करोड़ों का खजाना छुपा है। स्टैनली को तो उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, पर वॉरन को विश्वास था कि यहाँ खजाना जरूर मिलेगा। जल्द ही दोनों में बहस छिड़ गई, पर तब पापा स्नेक नाम के एक फौजी ने कहा कि भाई पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लें, उसके बाद सोच लेंगे क्या करना है। इसके बाद वो सभी मिलकर माइन के अंदर जाने लगे। जब वो एक पुल पार कर रहे थे तो अचानक चारों ओर लाइट्स जल गई और युद्ध का सायरन बजने लगा। ये देखकर सब घबरा गए क्योंकि उनके मुताबिक तो यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। तब स्टैनली ने कहा कि हो सकता है इसका मतलब ये हो कि यहाँ से निकलने का और रास्ता भी है। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे जहाँ कई बॉटल्स, हैजमेट सूट्स और डरावनी तस्वीरें मौजूद थी। जब वॉरन और री ने यहाँ छानबीन की तो उन्हें दीवार पर एक नक्शा मिला। इसी दौरान हम देखते हैं कि पापा स्नेक के पीछे कोई गैस मास्क पहनकर खड़ा था, पर जैसे ही स्नेक मुड़ा तो वो गायब हो गया। इधर नक्शे पर लिखा था कि ये बंकर 25वीं एरिया आर्मी का है। इससे वॉरन को यकीन हो गया कि ये वही बंकर है जहाँ जापानीज कमांडर ने वो खजाना छुपाया था। तब री ने सबको बताया कि कहा जाता था कि जापानी फौज की यूनिट 731 यहाँ पर दुश्मन फौजियों को बंदी बनाकर उन पर भयंकर एक्सपेरिमेंट्स करती थी। ये सुनकर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया क्योंकि वॉरन उन्हें इस भूतिया सी अजीब सी जगह पे बिना किसी चेतावनी के ले आया था। पर वॉरन कहने लगा कि वो भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। इसके बाद फौजियों के कैप्टन प्रावा ने कहा कि कुछ लोगों को आगे बढ़कर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और कुछ को यहाँ जख्मी आरियों के साथ रुकना चाहिए। तब वॉरन और सूलिंग जबरदस्ती कैप्टन के साथ आगे चले गए क्योंकि वो खजाना ढूंढना चाहते थे। इसके बाद कैप्टन प्रावा, स्नेक, वॉरन और सूलिंग रास्ता ढूंढने निकल पड़े, लेकिन साइंटिस्ट री, आरियो और बाकी फौजियों के साथ वहीं रुक गई। कुछ समय बाद कैप्टन और उसके साथी एक कमरे में पहुंचे जहां कई पिंजरे मौजूद थे। तभी वॉरन को वहां ऑस्ट्रेलियन फौजियों का हेलमेट पड़ा दिखाई दिया और वो समझ गया कि वहां दुश्मन फौजियों को बंदी बनाकर रखा जाता होगा। वहीं दूसरी ओर आरियो आराम कर रहा था तो अचानक उसे बहुत तेज आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत उठकर देखा कि जमीन नीचे धस रही थी तो उसके होश ही उड़ गए। इससे पहले कि वो अपने साथियों को बुलाता, जमीन से अचानक एक हाथ निकला और उसने आरियो की टांग खींचकर उसे भी जमीन में समा लिया। तभी अचानक उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने उस वहशी दरिंदे को देख लिया। इसके बाद वो दरिंदा तुरंत वहां से भाग गया। तब स्टैनली ने साइंटिस्ट री से पूछा कि ये क्या चीज थी, पर उसे भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। खैर, फिर बाकी के तीनों भी उसका पीछा करने के लिए उसी गड्ढे में कूद गए। पर कुछ देर चलने के बाद री ने दिल दहला देने वाला मंजर देखा। आरियो की लाश जमीन पर पड़ी थी, किसी ने उसका गला काट कर आंखें नोच ली थी। तब स्टैनली ने जैसे तैसे री को शांत किया और आगे बढ़ते रहने को कहा। मगर जैसे ही वो आगे बढ़े तो अचानक गैस पहने हुए एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर जोको अपने साथियों को ढूंढ रहा था कि अचानक वो एक चेंबर में आ घुसा जहां कई इंसानों के कंकाल पड़े थे और जिस लुटेरे को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था उसकी लाश भी बेहद दर्दनाक हालत में पड़ी थी। कुछ ही पलों में ऐसे ही दरिंदों ने उसे घेर लिया, पर जोको ने उन पर गोलियां चला दी मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो तो बल्कि बढ़ते ही जा रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक ने उसके सर पर हमला करके उसकी राइफल चुरा ली। इसके बाद भी एक के बाद एक वो उस पर हमला करते रहे, लेकिन जोको ने अपनी ताकत से जैसे तैसे दरिंदे को दूर फेंक दिया, लेकिन अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
अब कई सारे दरिंदे चारों ओर से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जोको ने अपनी पिस्टल निकाली और बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगा, पर जल्द ही गोलियां भी खत्म हो गई और उसे एहसास हो गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन प्रावा की टीम एक कमरे में पहुंची, जहां उन्हें कुछ मेडिकल नोट्स मिले जिन पर लिखा था कि यहां कैदियों के साथ कैसे कैसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। तभी उन्हें अपने एक साथी के चिल्लाने की आवाज आई। वो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़े, पर अचानक इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो सभी अंदर ही फंस गए। उधर री और स्टैनली को गैस मास्क पहने हुए उस आदमी ने बंदी बना लिया। असल में वो एक जापानी फौजी था। तब री ने उससे जापानी भाषा में बात की और स्टैनली को बताया कि इस फौजी को लगता है कि वो दुश्मन फौज के सैनिक हैं। री ने उस फौजी को समझाने की कोशिश की कि युद्ध कई साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन वो तो ये बात मानने को राजी ही नहीं था। जब री और फौजी बात कर रहे थे तो स्टैनली ने मौका देखकर फौजी पर हमला करके उसका गैस मास्क उतार दिया। उन्होंने देखा कि आदमी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। खैर, फिर री ने उसे अपने टैबलेट पर वो वीडियो दिखाई जब 1945 में जापानी फौज ने हार मान ली थी। ये देखकर वो फौजी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और जापानी झंडा लपेटे हुए एक आदमी के शरीर के सामने सर झुकाने लगा। वहीं दूसरी ओर जब कैप्टन और वॉरन कमरे में बंद हो गए तो उन पर एक दरिंदे ने हमला कर दिया और वॉरन के कंधे पर एक हड्डी दे मारी। कैप्टन प्रावा ने उस पर गोली भी चलाई, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब वो दरिंदा कैप्टन के पीछे पड़ गया। वो कैप्टन का काम तमाम करने ही वाला था कि पीछे से सार्जेंट स्नेक ने लोहे की रॉड उठाई और उस दरिंदे के सर के आर पार कर दी। उसके मरने के बाद वॉरन ने उसके सर पर लिखा नाम देखा और वो समझ गया कि ऑस्ट्रेलिया का फौजी था जिसे बंदी बनाकर रखा गया होगा। वहीं दूसरे कमरे में वो बूढ़ा फौजी स्टैनली और री को अपनी कहानी बता रहा था। उसने कहा कि उसे और उसके दोस्त को कई साल तक इस माइन की रक्षा करने का हुक्म मिला था, पर जब 1945 में जापानी फौज यहाँ से चली गई तो वो दोनों माइन में ही फंसे रह गए। उसने बताया कि उसने तो अपने दोस्त को भी मार डाला क्योंकि वो हार मानकर यहाँ से निकलना चाहता था, और जो भी दरिंदे यहाँ घूम रहे हैं असल में वो दुश्मन फौजी थे जिनके ऊपर बेहद खतरनाक और भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिस वजह से वो पागल हो गए और आखिरकार वैश्विक दरिंदों में बदल गए। साथ ही जापानी फौज ने अपने लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाकर रखा जा सके। इसके लिए उन्होंने खास तरह के इंजेक्शन बनाकर बहुत सारे फौजियों को दिए। उसी इंजेक्शन की वजह से वो आज तक जिंदा है। उधर कैप्टन प्रावा और उसके साथी छानबीन में जुटे थे कि उन्हें एक दरिंदे की लाश दिखाई दी। कुछ समय बाद वॉरन को एक सिरिंज मिली जिसमें एक सुनहरा सा लिक्विड भरा हुआ था। उसने हिसाब लगाया कि ये वही इंजेक्शन होगा जिससे जापानी फौज अमर होना चाहती थी। तब उसे एहसास हुआ कि शायद यही वो खजाना था जिसके पीछे वो यहाँ तक आ पहुँचा था। उधर कैप्टन और स्नेक बाहर निकलने का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर वॉरन ने सूलिंग को बताया कि लिक्विड के अंदर सोना मिलाकर उसे सुनहरा बनाया गया है क्योंकि ये अमृत से कम नहीं था। तब सूलिंग ने कहा कि उन्हें ये सिरिंज अपने साथ ले जानी चाहिए। फिर वॉरन ने वो सिरिंज सूलिंग को देकर इसे संभाल कर रखने को कहा। वहीं दूसरी ओर कैप्टन और स्नेक दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, मगर वहां तो एक मूर्ति थी और बहुत सारे दरिंदे सामुराई सूट्स पहनकर तैयार खड़े थे। अचानक वो गार्ड्स जिंदा हो गए और कैप्टन और स्नेक की ओर बढ़ने लगे। कैप्टन और स्नेक ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन इसका गार्ड्स पर कोई असर नहीं हुआ। वो समझ गए कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए कैप्टन ने वॉरन और सूलिंग को बाहर जाने को कहा। मगर इससे पहले कि स्नेक दरवाजा बंद करता, सभी गार्ड्स ने उस पर हमला बोल दिया और वो वहीं मारा गया। इधर कैप्टन, वॉरन और सूलिंग अपनी जान बचाकर भागे और वहां पहुंच गए जहां जोको मारा गया था। जब कैप्टन उसकी लाश को ध्यान से देख रहा था तो अचानक वॉरन पर किसी दरिंदे ने हमला कर दिया। तब कैप्टन ने वहां पड़ी एक हड्डी उठाई और दरिंदे पर इतने वार किए कि वो जल्द ही मर गया। इसके बाद वो सब सीवेज सिस्टम के रास्ते आगे बढ़े और आखिरकार उस कमरे में पहुंच गए जहां स्टैनली, री और वो बूढ़ा आदमी मौजूद थे। उधर वॉरन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, तो उसकी जान बचाने के लिए सूलिंग ने उसे वही सुनहरे लिक्विड वाला इंजेक्शन दे दिया। तभी वो गार्ड्स उनके पीछे उस कमरे तक आ पहुंचे जहां से वो सब तो वॉरन को लेकर भाग निकले, पर बूढ़ा आदमी वहीं रुक गया। उसने गार्ड्स के सामने अपना सर झुका लिया और उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डाला। इसके बाद दरिंदों ने कैप्टन और स्टैनली पर हमला कर दिया, तो सूलिंग वॉरन को लेकर दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगी। इधर दरिंदों का सामना करने में री ने कैप्टन और स्टैनली की मदद की। इतने में ही गार्ड्स वहां आ पहुंचे, तो कैप्टन ने री और स्टैनली को वहां से भाग जाने को कहा। री और स्टैनली वेंटिलेटर के जरिए माइन में चले गए, पर कैप्टन प्रावा गार्ड्स के हाथों मारा गया। उधर वो इंजेक्शन लेने के बाद वॉरन भी एक वहशी दरिंदे में बदल गया और उसने सूलिंग को बेरहमी से मार डाला। दूसरी ओर स्टैनली और री को बाहर जाने का रास्ता मिल गया जो पानी से होते हुए जाता था, मगर तब तक गार्ड्स भी पानी में पहुंच चुके थे। री और स्टैनली तुरंत पानी के रास्ते से आगे बढ़े और कुछ देर बाद री ने बाहर आकर स्टैनली को आवाज दी।
पर कोई जवाब नहीं आया क्योंकि असल में स्टैनली को भी गार्ड्स ने मार दिया था। आखिरकार री तुरंत पानी से बाहर आ गई, मगर गार्ड्स भी उसके पीछे बाहर आ चुके थे और अंत में उन्होंने री को भी मार डाला। तो एक खतरनाक कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।